Today, in this class, we are going to discuss the functions used in programming languages. So first, we are going to discuss what is function. So function is set of codes when we combine more than one statements to perform some specific task. That particular code has been used as a set of code that is called as function. Very simple definition, function is nothing but set of code to perform some specific task. Let's suppose we want to add some numbers, so we can make some function. Just we write, this is an example, this is the function. So I have written very simple function here, and one statement I have going to print is printf hello. So this is the definition of function. Now why we need function? Let's suppose you have used some already language defined function you have already used, like jaise printf, scanf, clr, scr, those function you are using in your programs. You have already used these functions. Whenever we want to get some output, we use just function. We are not defining what printf is, we are just calling the function. So this printf function is performing a specific task to print or to output on the screen. So we are just calling that particular function. Suppose if we are not making that particular function, so we have to write set of codes repeatedly. Whenever जब भी हमें आवश्यकता होती कि हम कुछ प्रिंट करें तो हमें सेट ऑफ कोड्स लिखना पड़ता, सेट ऑफ कोड्स लिखना पड़ता, उसकी जगह हमने क्या किया, सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर लिया, न कि सेट ऑफ कोड्स को यूज किया. सो इस रीयूजेबिलिटी को हटाते हुए एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हमने जो चीज हमें बार बार काम में ली जानी है उस चीज को हमने एक नाम दे दिया है और उस नाम को हम बार बार काम में लेते हैं जस्ट बाई यूजिंग by passing some parameters. If there is need to pass parameters, we are just passing the parameter and just calling the function. So for हमारा program के अंदर बार बार एक ही चीज़ नहीं आए, set of code को बार बार नहीं लिखना पड़े, तो set of code को एक नाम दिया गया, उस नाम को ही हम function कहते हैं. अब बारी आती है कि function के type कितने होते हैं, कितनी तरह के functions हम use में लेते हैं. तो अभी तक आपने जो functions काम में लिए हैं वो है library function और लैंग्वेज डिफाइंड फंक्शन. जो फंक्शंस लाइब्रेरी ने बना दिए हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम सिंपल यूज कर रहे हैं बाय कॉलिंग, हम सिर्फ उनका उनको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलिंग कर रहे हैं, उन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है या लैंग्वेज डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है. जैसे कि प्रिंटएफ, स्कैनएफ, सीएलआर, एससीआर, गेट सीएच, और भी जितने भी फंक्शन आप काम में लेते हैं वो सारे फंक्शन जिनको हम सिर्फ कॉल करते हैं उन्हें लाइब्रेरी फंक्शन या लैंग्वेज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. एक दूसरा टाइप और आता है जिसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर कौन है? जो प्रोग्राम को बना रहा है या प्रोग्राम को चला रहा है वो यूजर है. वो बनाने वाला फंक्शन में मुझे किस तरह का कोड लिखना है वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो जो भी फंक्शन हम बनाते हैं, लेट सपोज मेन, हमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना है तो हम मेन लिख के उसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं. सो वो फंक्शन मेन भी हमारा एक तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है. अगर हमें कोई, मान लीजिए ये फंक्शन आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ प्रिंट की है, हमें मान लीजिए दो नंबर मुझे देने हैं कि ए और बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है प्रिंट करें. सो मैं जस्ट यहाँ पर भी उस फंक्शन को बना सकता हूँ. लेट सपोज मैं उसको नाम दे रहा हूँ मैक्स और दो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ. यहाँ से मैंने ले ली वो स्कैन एफ करके परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी करके, और यहाँ पर मैंने ए और बी को पास कर दिया है. यहाँ पर भी मैं उसको क्या करूँगा, मैक्स कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं लेता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी. सो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगा के यूज करूँगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर एल्स, फिर कंडीशन लगा के लिख सकता हूँ ए लेस देन बी. सो अगर बी मेरा बड़ा है तो आ जाएगा प्रिंट एफ
में लिख देंगे बी इज ग्रेटर एल्स बोथ आर इक्वल। सो इस तरह से इस मैक्स फाइंड करने के कोड को हमने यहाँ लिख दिया, वही कोड को हम यहाँ भी लिख सकते थे, उस कोड को मैंने सेपरेट करके उसका एक नाम दे दिया है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के बारे में तीन चीज़ें बार बार हर बार हमें यूज़ करनी है। तीन चीज़ें क्या है, पहली चीज़ है फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का मतलब है कि फंक्शन के बारे में जानकारी, क्या फंक्शन के बारे में क्या जानकारी है कि फंक्शन का, मैंने कोई फंक्शन लिखा तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ उसका रिटर्न टाइप, कि फंक्शन को जब हम यूज़ करूँगा तो फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। देन यहाँ आएगा मेरा फंक्शन का नाम, जैसे मैंने मान लीजिए मैक्स फंक्शन बनाया तो दिस इज फंक्शन नेम, एंड देन इन द ब्लॉक यहाँ आएंगे नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लेट्स सपोज दो पैरामीटर्स में पास करने जा रहा हूँ तो उनके टाइप, दो पैरामीटर में पास करने जा रहा हूँ किस तरह के हैं उनके टाइप, तो यहाँ पे आएंगे आर्गुमेंट ऑब्लिक, या कह सकते हैं इसी को क्या कह सकते हैं, पैरामीटर्स उनके टाइप के साथ। सो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या बताता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, और फंक्शन में कितने आर्गुमेंट किस किस डेटा टाइप के आने वाले हैं, ये फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन को ही प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। ये हमें पहले लिखना पड़ता है ताकि कंपाइलर को ये पता लग जाए कि इस तरह का फंक्शन आगे कहीं आने वाला है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ये हैं और इनके टाइप ये हैं और साथ ही में उनका रिटर्न टाइप ये है, फंक्शन का नाम ये है। दूसरी चीज़ आती है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, फंक्शन के अंदर जो कोड है वो लिखना। लेट्स सपोज यहाँ मुझे मैक्सिमम फाइंड करना था, सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन, दिस कोड इज फंक्शन डेफिनेशन। एंड द थर्ड वन इज फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को हमेशा या तो मेन के अंदर कॉल किया जाएगा या फिर किसी दूसरे फंक्शन में कॉल किया जाएगा। सो ये जो हो रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। सो आप समझ चुके होंगे तीन चीजें, फंक्शन क्या है, फंक्शन सेट ऑफ कोड है फॉर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हम यहाँ पर मैक्स फाइंड करना था, हमने जस्ट एक फंक्शन कॉल किया मैक्स को फाइंड करने के लिए, किन दो वैल्यूज में फाइंड करना है वो हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर हमने उनको रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पर कोड लिख दिया। अगर हमें यही करना है, अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हमने यहाँ पर वॉइड काम में लिया, और अगर यहाँ हमें कुछ रिटर्न करना होता तो हम यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखते और उसको यहाँ रिसीव करवा कर यहाँ पर भी प्रिंट किया जा सकता था। सो ये बहुत ही बेसिक जानकारी फंक्शन के बारे में मैंने आपको दिए। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। क्यों जरूरत पड़ती है कि बार बार कोई सेट ऑफ कोड मुझे रिपीट ना करना पड़े, कोई एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ रहा है तो उस चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे पावर कैलकुलेट करना है, ए पावर एन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने फंक्शन बना दिया। जब जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं सिंपल इस कोड को कॉल कर लूँगा, न कि मुझे सेट ऑफ कोड 8-10 लाइन जो है उनको बार बार लिखना पड़े। उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूँ और जिसका मुझे निकालना है, आपने कैलकुलेटर यूज़ भी किया होगा, कैलकुलेटर में भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन को सिंपल हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। उसके बाद फंक्शन के टाइप दो टाइप होते हैं, लाइब्रेरी जिनको हम सिंपल कॉल करते हैं, दूसरा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। उसके बाद फंक्शन के बारे में तीन चीज़ें हैं, जब हम बनाएंगे फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड तो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे फंक्शन क्या करने वाला है, और फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द फंक्शन।